हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक इन मेडिसिनल 24 फोर द मेडिकल चैनल नाउ इस वीडियो में हम विनोरोलबिन इंजेक्शन पर डिस्कस करेंगे विनोरोलबिन इंजेक्शन के यूजेस डोसेज साइड इफेक्ट्स प्रिक्रेशन सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो में बने रहें आखिरी तक सो so, फ्रेंड विनोरोलबिन इंजेक्शन बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है फिफ्टीन टू नाइनटीन तक सभी कंपनीज़ की इतनी प्राइस में मार्केट में आती है विनोरोलबिन टेन एम पर एम की पैकिंग में आता है सो फ्रेंड्स विनोरोलबिन एक एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक और साइटोटिक्स साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग है जो कीमोथेरेपी मेडिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं आप सबको पता है कि कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट में दी जाती है ये एक टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है विनोरोलबिन इंजेक्शन को मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है अदर कॉम्बिनेशन के साथ इस इंजेक्शन को आईवी रूट से दिया जाता है विनोरोलबिन विनका अल्कोलॉइड क्लास के मेडिकेशन है इस इंजेक्शन को सेमी सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है और ये एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है नॉन स्मॉल से लंग कैंसर में और विनोरोलबिन कई और दूसरी एंटी कैंसर मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स विनोरोलबिन इंजेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये कैसे वर्क करती है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि विनोरोलबिन एक सेकेंड जनरेशन सेमी सिंथेटिक विन का अल्कोलॉइड है और ये ये सेल के माइटोटिक स्पिंडल में ट्यूबुलर प्रोटीन से जाकर बाइंड होती है ड्यूरिंग मेटाफेस जिससे ये कैंसर की सेल डिवीजन रोकती है विनोरोलबिन के डोसेज क्या है इस इंजेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं विनोरोलबिन 10 एम पर एम की पैकिंग में आता है 5 एम में इसका वाइल होता है 50 एम पर 5 एम में इसका मार्केट में इसका वाइल आता है सो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में 25 टू थर्टी एम पर एम स्क्वेयर आई वी रूट से एडमिस्टर करते हैं वंस वीकली मतलब हफ्ते में एक बार इसका डोज यूज़ करते हैं एडवांस और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में 25 टू 30 एम पर एम स्क्वेयर वंस वीकली यूज़ करते हैं और इसका मैक्सिमम टोलरेटेड डोज पर एडमिनिस्ट्रेशन 35 टू 40 एम पर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया ये इसका टोलरेटेड डोज है मैक्सिमम सो विनोरोलबिन इंजेक्शन को इन दो कैंसर के ट्रीटमेंट में ये एक रिकमेंडेड डोज है विनोरोलबिन टेन एम जी पर एम एल कंसनट्रेट सोल्यूशन को स्लो बोलस सिक्स टू टेन मिनट्स में एडमिस्टर करना है आफ्टर डाइल्यूशन इन ट्वेंटी टू फिफ्टी एम एल ऑफ सोडियम क्लोराइड जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एट टू फिफ्टी एम एल ऑफ सोडियम क्लोराइड जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का यूज़ करना है और इस इंजेक्शन को ग्लूकोज फाइव परसेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन के साइड क्या है नोज़िया फटीग कॉन्स्टिपेशन डायरिया डिजीनेस हेयर लॉस मसल एक, जॉइंट पेन और इरिटेशन एट इंजेक्शन साइड ये विनोरोलबिन इंजेक्शन को कॉमन साइड अफेक्ट है मे बी पॉसिबल कि विनोरोलबिन इंजेक्शन लो ब्लड काउंट भी कॉज कर सकती है इस इंजेक्शन के प्रिकेशन क्या है विनोरोलबिन इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट को अपनी फुल मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करनी है और विनोरोलबिन इंजेक्शन ओनली वेन में एडमिनिस्टर किया जाता है इस इंजेक्शन को एक गुड प्रैक्टिशनर और डॉक्टर के अंडर में ही एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए क्योंकि अगर विनोरोलबिन इंजेक्शन वेन से लीक होकर आसपास स्किन पर और टिश्यू पर सीवियर इरिटेशन और डैमेज कॉज कर सकती है ये प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है सो so, फ्रेंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो